हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं पासी चैम्प, और आज हम इस वीडियो में फुली डिटेल में बात करेंगे कि ब्लड शुगर को कैसे टेस्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फटाफट ब्लड शुगर की थोड़ी बहुत ही डिटेल बता देता हूँ कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में ब्लड शुगर के कितने पेशेंट हैं। तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के अनुसार सन 2017 में उन्होंने अपनी एक गणना करी थी, और उसका पूरा का पूरा डाटा उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था। तो जो उन्होंने गणना करी थी, उस डाटे के मुताबिक सन 2017 में दुनिया भर में डायबिटिक पेशेंटों की संख्या 42 करोड़ 50 लाख थी। वहीं हमारे भारत देश की बात की जाए तो ये संख्या 7 करोड़ 29 लाख 46 हज़ार 400 थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक डायबिटीज़ की बीमारी का कोई भी इलाज संभव नहीं है। इसके लिए ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं बनाई गई है जिससे ब्लड शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। जैसे टीबी की बीमारी के लिए एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, और वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल ड्रग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स है, लेकिन अभी तक ब्लड शुगर की बीमारी को ख़त्म करने के लिए ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं बनाई गई है जिससे ब्लड शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड शुगर को कैसे टेस्ट करते हैं। मैंने इसके बारे में फुली डिटेल में बताया है कि ब्लड शुगर को मैं कैसे टेस्ट करता हूँ, इंक्लूडिंग लेबोरेटरी वाले और हॉस्पिटल में ब्लड शुगर को कैसे टेस्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी अच्छी डिटेल में अच्छे से बताया है। साथ ही मैंने जो लोग रेगुलर बेसिस पर ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं उनके लिए अल्टरनेटिव साइड का बताया है कि वो ब्लड शुगर को फिंगर टिप के अलावा और शरीर के किन किन हिस्सों से ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने ब्लड शुगर में यूज़ होने वाली डिवाइस के पार्ट्स को भी बताया है कि इन चीज़ों को क्या क्या कहते हैं, जैसे ग्लूकोमीटर, लेंसिंग डिवाइस, लेंसेट एक्सेट्रा। साथ ही मैंने ब्लड शुगर के जो टेस्ट होते हैं, 5 तरह के टेस्ट मैंने बताए हैं कि वो टेस्ट कब और कैसे करने हैं। तो आज हम पहले शुरू में बात कर लेते हैं कि ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए अल्टरनेटिव साइट्स कौन सी होती है। ब्लड शुगर के लिए अल्टरनेटिव साइट्स उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं जो रेगुलर बेसिस पर ब्लड शुगर को मॉनिटर करती हैं, ब्लड शुगर को चेक करती हैं, क्योंकि डॉक्टर हमें कई बारी एडवाइस करते हैं कि ब्लड शुगर को दिन में 3 से 4 बार चेक करना है। तो ऐसे में हम बारी बारी फिंगर टिप को प्रिक करते हैं तो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस मिलता है और फिंगर टिप भी दर्द करने लग जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, फिंगर टिप के साथ साथ हम बेस ऑफ द थंब और पाम से भी ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अपर आर्म और फोर आर्म से भी हम ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही थाई और काफ एरिया से भी हम ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ साइट्स ही ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिंगर टिप में जो ब्लड होता है वो शरीर के अन्य पार्ट्स की तुलना में तेज़ी से ग्लूकोज का जो लेवल है उसको शो करता है। साथ ही अगर आपने खाना खाया है या ब्लड शुगर की कोई टैबलेट ली है या ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन लगाया है, आपको ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्लूकोज का जो लेवल है, जो ब्लड शुगर का लेवल है वो घट या बढ़ सकता है। आप ब्लड शुगर की वैल्यू में तेज़ी से चेंजेस को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें होती है और उनको क्या क्या कहते हैं। तो ये ग्लूकोमीटर का एक पूरा बॉक्स है, और अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैं निकाल रहा हूँ इसको लैंसेट बोलते हैं, और ये एक तरह की सुई होती है जिसे फिंगर की जो टिप होती है इसमें चुबाते हैं, और चुबाने के बाद ब्लड निकलता है। तो ये एज ए प्रिकिंग के लिए यूज़ होता है, चुबाने के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं लैंसिंग डिवाइस, और लैंसेट जो होता है वो इसी के अंदर डलता है, और आप इसको घुमाकर सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसके नंबर होंगे ये स्किन में उतनी ही ज़्यादा चुभता है, और जितने कम नंबर होंगे ये उतना ही कम चुभेगा। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3 से 4 तक होती है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने इसको सेट करना है तो ये पिस्टल है, इसको आपने पीछे आपको पीछे खींचना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है।
तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी अच्छे से बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है लेंसिंग डिवाइस। तो आप पहले देख लीजिए कि इसके अंदर जो लेंस सेट है वो देखिए इस तरह का होता है, और आपको इसकी सुई भी दिख रही होगी। एक बार मैं ये थोड़ा कम कर देता हूँ कि 1 मिनट, ताकि आप अच्छे से देख लें। तो गाइज आपको दिख रही होगी कि आप इसकी ये सुई कितनी चुभने वाली है, देखिए कितनी नुकीली है, और यही स्किन में जाके चुभती है, और यहाँ चुभने के बाद ब्लड निकलता है। तो अभी आप देख सकते हैं, और मैं इसको चेंज भी आपको करके इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसको सेट करने के लिए आपको ये पीछे तो खींचना ही पड़ता है, ये देखिए इसको पीछे करना है, और आप जब इसको पीछे करते हैं तो ये सेट हो जाता है, और उसके बाद ये बटन दबाना है तो ये स्किन में चुभता है। तो देखिए आप इसको पीछे किया और ये बटन दबाया, देखिए कितनी तेज़ी से चुभता है, और कम एक्सपीरियंस होता है पेन पेन का, बहुत कम पेन होता है। और वैसे आप डायरेक्ट नीडल मार के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी पेन होता है। लेंसिंग डिवाइस का काम इसी तरह ही होता है। तो चलिए आपको मैंने दिखा दिया कि ये डिवाइस काम कैसे करती है, और अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको कहूँगा कि आप इसकी कैप ना निकालें, आप सीधा ही इसको ऐसे फिट कर दें, और उसके बाद आप कैप को घुमाकर अच्छे से निकालें, और ध्यान रखें कि आपकी ये निडल हाथ में ना चुभे। ओके, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, और ये जो इसका पिछला पीछे पीछे खींचें। ओके, तो चलिए आगे हमारा ये ग्लूकोमीटर आ जाता है, और सारे ग्लूकोमीटर का एक ही जगह होती है जहाँ पर स्ट्रिप को डालते हैं। स्ट्रिप एक ऐसी चीज़ होती है, आपको मैं दिखाऊंगा स्ट्रिप भी क्या होती है, तो आप पहले समझ लें ये स्ट्रिप डालने की जगह है। और हर ग्लूकोमीटर में एक ही निशान मिलेगा, एक तरह का निशान ही होता है जहाँ पर स्ट्रिप को डालते हैं। ओके, आप इस निशान को अच्छे से देख लें, ये देखिए आपको निशान दिख रहा होगा ना, यहीं पे ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप डलती है। तो ये जो ब्लू कलर का बटन है, ये ब्लड शुगर लो होने पर इसमें एक एरो ब्लिंक होता है, और आगे बीच में नॉर्मल वैल्यू, और रेड पर अगर एरो ब्लिंक होए तो ये हाई ब्लड शुगर का होता है। बैटरी कंपार्टमेंट में बटन सेल एक डलता है, और ये 1 साल तक चल जाता है, इसको बारी बारी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर ग्लूकोमीटर में 6 महीने तो आराम से चलता ही है बटन सेल। ओके, तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं निकालने वाला हूँ ये ग्लूकोमीटर स्ट्रिप होती हैं, और आपको हर बारी इसके ढक्कन को खोलने के बाद इमिडिएटली ढक्कन को बंद करना है, क्योंकि स्ट्रिप ऐसे ख़राब हो जाती है। तो मैं इसी स्ट्रिप की बात कर रहा था, देखिए ये जो आगे वाला हिस्सा ये ग्लूकोमीटर के अंदर जाता है, ये वाला हिस्सा, और जो इसके पीछे वाला हिस्सा है देख लीजिए आप आराम से, ये वाला हिस्सा जाता है ग्लूकोमीटर के अंदर, और यहाँ से ब्लड का सैंपल लेना है। आप ब्लड को हल्के से अटैच करेंगे तो ये अपने आप ही ब्लड को खींच लेता है अंदर। तो आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये वाला हिस्सा अंदर गया, और ये देखिए अपने आप ही ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये पीछे वाली रीडिंग दे रहा है 123, और अब ये ड्रॉप मांगेगा ब्लड की, तो पीछे वाला जो हिस्सा है अपने ब्लड के साथ लगाना है, और ये अपने आप ही अंदर खींच लेगा ब्लड को। तो बिल्कुल भी वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको स्ट्रिप को अंदर डाल देता हूँ। ओके ओके, चलो मैं आपको प्रोसीजर अब करके दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल में ब्लड शुगर को टेस्ट कैसे करते हैं। तो गाइस अब रेडी हो जाते हैं लैब टेक्नीशियन बनने के लिए। तो मैं आपको इसमें अब बता दूंगा कि किन किन चीज़ों को हॉस्पिटल में या लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ। आप अगर खुद के लिए ब्लड शुगर को टेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप हाथ धो सकते हैं। ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए, और आपको लैब टेक्नीशियन वाली फीलिंग तो पक्का ही आ जाएगी। तो आपको एक ड्राई कॉटन चाहिए, साथ ही आप स्टरलियम को यूज़ कर सकते हैं, या आप सीप्रेट स्वैब भी यूज़ कर सकते हैं ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए। अगर आप एक आधी बारी ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर करिए। अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप सिर्फ हैंड वॉश करें, क्योंकि अगर सीप्रेट स्वैब को यूज़ करेंगे तो प्रिक करते टाइम ज़्यादा पेन होगा। तो ये हमारा ग्लूकोमीटर है जैसे आप देख रहे हैं। ओके, तो
ग्लूकोमीटर मेरे हाथ में है, ये लेंसिंग डिवाइस और ये स्टिप। तो सबसे पहले जो स्वैब है उसको सीपरेट लगा लेते हैं, और इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो चलिए, अब सबसे पहले हमने हमेशा फ्रेश लेंसेट को ही यूज़ करना है, पुराना लेंसेट कभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं बारी बारी यूज़ करने पे, और जब हम प्रिक करते हैं तो पेन भी काफ़ी होता है। इसलिए हमेशा नया लेंसेट ही यूज़ करें, और जब आप इसको लोड करेंगे तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथ पर ना लग जाए। ओके, तो केयरफुली इसको लोड करना है, और मैं इसको सेट करूँगा 4 पर। ओके, तो ये हमारा ब्लड शुगर की ये स्टिप है, और कई बारी स्टिप को डालने की जगह ग्लूकोमीटर के नीचे होती है, लेकिन इसमें ऊपर जगह है इसको डालने की। तो ये रेडी है, इसने पुरानी रीडिंग दिखाई है 141 mg/dL। तो ये अब सैंपल मांग रहा है। तो गाइज, अब सैंपल किसका लें? चलिए मैं अपना खुद का ही सैंपल ले लेता हूँ, पर इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं मेरा ब्लड शुगर लेवल कितना आता है। अभी मेरे को लगा नहीं है कि प्रिक हुआ है, तो चलिए एक बार फिर दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं, मेरे को थोड़ा और डीप लेना पड़ेगा, तो 4 की जगह मैं 6 सेट कर देता हूँ, तो अब तो पक्का ही प्रिक हो जाएगा। तो हो चुका है प्रिक। और गाइस, ये मैं एक ही बारी में ही चेक कर रहा हूँ, आप एक बारी ब्लड को निकाल के उसको स्वैब से साफ़ कर लेना और दोबारा ब्लड को निकालना, उससे अच्छी रीडिंग आएगी। तो अभी की मेरी रीडिंग 107 mg/dL है, तो काफ़ी अच्छा है। आई होप कि आपको सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ आ चुका होगा और आप एक अच्छे लैब टेक्नीशियन बन चुके होंगे। आई के बटन पर क्लिक करके आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले गाइस, जितना भी ये ब्लड वाला मटेरियल है जिसमें ब्लड अटैच हुआ है, उसको आप अच्छे से डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि पता नहीं किस तरह का, किस टाइप का पेशेंट हो, उसको ना जाने कौन सी बीमारी हो। इन सभी मटेरियल को एक ऐसी जगह डिस्कार्ड करना जहाँ पर किसी का हाथ ना लगे। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे हेल्प कर सकती हैं 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हेल्दी रहिएगा, फिट रहिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।